तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है. सो जस्ट लाइक द प्रीवियस वीडियो, इन दिस वीडियो ऑल्सो फर्स्ट वी विल लुक एट द फॉर्मल डेफिनेशन एंड देन वी विल ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विद बाय लुकिंग एट सम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स. ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द टाइम एन एल्गोरिदम टेक्स टू रन विद रिस्पेक्ट टू इनपुट. इस डेफिनेशन में दो की टर्म्स हैं, वन इज टाइम टेकिंग टू रन और एग्जीक्यूट एंड द अदर वन इज इनपुट. अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से. तो यार यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है, दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती है, यार चलो गोवा चलते हैं. सो यू डिसाइड टू गो गोवा विद योर गर्ल. आपका ऑब्जेक्टिव है गोवा जाना, आप और आपकी बंदी इनपुट है. अब आप प्लान करते हो यार गोवा जाना है, कैसे जाएं, किसको बताएं. तो बेसिकली आप घर के उस एक बंदे को ढूंढते हो जिसको बताने से ना ही पिटाई होगी ना ही प्लान कैंसिल होगा. वो बंदा ही मिल गया, देर से प्लान हो गई, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, आपने प्लेन की टिकट करा ली एंड यू रीच गोवा एंड यू आर चिलिंग एट द बीच. ठीक, यहाँ पे आपके इनपुट थे दो लोग और आपको दिन लगे लेट्स से 5 इन दिस एंटायर प्रोसेस. बट जब आप प्लान कर रहे थे तो आपकी बंदी ने बोला कि यार देखो ऐसा है कि मेरे को तो घर पे बताना पड़ेगा. अब घर पे बताना पड़ेगा तो घर वाले उसको सिर्फ आपके साथ तो जाने नहीं देंगे, शी नीड्स अ गर्ल टू कंपनी हर. आप ऑल दो उसके साथ अकेले ही जाना चाहते थे, बट इट्स आइदर नो वेयर और गोवा विद योर फ्रेंड अनदर कपल. सो यू गो एंड आस्क योर फ्रेंड कि चल यार तू भी गोवा चल. और ऑब्वियसली गोवा के लिए जाने के लिए प्लान करने के लिए तो कोई मना नहीं करता. सो व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट प्लानिंग. पहले आप प्लान करते हो किसको बताना है किसको नहीं बताना है कब जाना है, फिर आपके फ्रेंड लोग प्लान करते हैं क्या कैसे वट एवर, एंड देन फाइनली यू डिसाइड ऑन डेट्स कि कब कब जाना है एग्जैक्टली. देन यू बुक योर टिकट्स एंड यू रीच गोवा. यहाँ पे इनपुट कितने थे, 4 लोग, और टाइम कितना लगा, लेट्स से 15 डेज, विच इज मच मोर देन द टाइम टेकन इन एग्जाम्पल वन विच वॉज 5 डेज. ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे हमें टाइम ज्यादा क्यों लगा, क्योंकि यार हमें यहाँ पे ज्यादा लड़कियों को मनाना था और यहाँ पे स्टेप्स ज्यादा हो गए क्योंकि नंबर ऑफ क्योंकि इनपुट बढ़ा, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़े यानी कि इटरेशंस बढ़ी, इसलिए हमें टाइम भी ज्यादा लगा. अनदर थिंग टू फोकस ऑन हियर इज ये दोनों एल्गोरिदम सेम है. कैसे, आप अप्रोच सेम फॉलो कर रहे हो, इसमें भी आप प्लेन ले रहे हो इसमें भी आप प्लेन ले रहे हो, सिर्फ स्टेप्स बढ़े हैं. सो दिस ब्रिंग्स अस टू पॉइंट ए एंड बी विच इज कि टाइम जो हमें यहां पे लगा दैट इज मोर देन टाइम जो हमें यहां पे लगा बिकॉज इनपुट एन इज इंक्रीजिंग, राइट. सो वी कैन वेरी कंफर्टेबली से दैट टाइम जो है वो एन पर डिपेंडेंट है, क्योंकि एन बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है हमारा, विच इज सेट बाय द डेफिनेशन. लेकिन गोवा जाना इतना आसान नहीं है. आपके इन दोस्तों ने कैंसिल कर दिया, एहसान सारा मोश. पहले तो पूछा गोवा जाने के लिए, अब कहा कि प्लान बनाएंगे, आधे रास्ते में कैंसिल कर दिया. ले आप लोगों का मूड खराब हो गया, बट यार गोवा तो जाना है, सोच के बैठे थे गोवा जाना है तो जाना है, किसी भी रिस्क पे जाएं लेकिन जाएंगे. सो यू स्टार्ट प्लानिंग अगेन एंड मे बी दिस टाइम यू डिसाइड टू गो बाय अ ट्रेन. तो पहले आप पहली ट्रेन लेते हो, यू रीच अ मे बी अ मिडिल प्लेस, वहां से आप दूसरी ट्रेन लेते हो एंड फाइनली यू रीच गोवा. यहाँ पे इनपुट 2 थे लेकिन टाइम थे 7 डेज, टाइम आपको लगा 7 डेज. पहले वाले एग्जाम्पल में लोग 2 थे लेकिन टाइम लगा 5 दिन, 5 दिन. अब इन दोनों में क्या फर्क है, ये दोनों एल्गोरिदम ही पूरे डिफरेंट है. पहले वाले में आप प्लेन से जा रहे थे, थर्ड वाले में आप ट्रेन से जा रहे हो. सो यू हैव चेंज द अप्रोच टू रीच योर ऑब्जेक्टिव, इसलिए एल्गोरिदम ही चेंज हो गया. दिस इज एल्गोरिदम 1 एंड दिस इज एल्गोरिदम 3. सो दिस ब्रिंग्स अस टू पॉइंट सी विच सेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम 3 इज मोर देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम 1, राइट. सो दिस इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म पॉसिबल. एंड एग्जाम्पल्स में गोवा चले गए, रियालिटी में भी चले जाओ यार, थोड़ा इंजॉय करके आओ. एंड ऑल्सो कमेंट बिलो इफ यू लाइक अ वीडियो एंड लेट अस नो वॉट यू थिंक अबाउट इट.
and let us also know the topics that you want us to cover in our video. Thank you.